दोस्तों, मच्छर एक ऐसा कीट है जिसे दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है। ये मच्छर गंदे पानी में पनपते हैं, जो देखने में तो काफ़ी छोटे और मामूली लगते हैं, लेकिन यही मच्छर कई तरह की बीमारियों को फैलाने में माहिर होते हैं, जिसमें से डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां शामिल होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में हर साल लगभग 10 लाख लोग इन मच्छरों के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जिसमें से ज़्यादातर लोग मलेरिया के ही शिकार होते हैं। और अगर बात करें इनकी प्रजाति की, तो इस दुनिया में मच्छरों की लगभग 3000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन क्या आपको पता है कि इन मच्छरों का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि इससे पहले हमने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला, और आज आप सबकी ही फरमाइश पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनका ये मिलन लगभग 5 मिनट तक चलता है। और जैसे इनके मिलन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, उसके 1-2 दिन बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है। आपको बता दूं कि मादा मच्छर को अपने अंडे देने के लिए स्थिर पानी वाले जगह की ज़रूरत होती है, जैसे तालाब, गमला, गड्ढों में जमा पानी और भी कई सारे। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि ये ऐसे जगहों पर अपने अंडे देते हैं जहाँ बहुत दिनों से पानी जमा होता है। तो जैसे ही मादा को पानी वाली जगह मिल जाती है, उसके बाद ये अंडे देना शुरू करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मादा मच्छर एक बार में लगभग 100 से 300 अंडे दे सकती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जैसे ही ये सारे अंडे दे देती है, उसके बाद ये अंडों को उसी हाल पर छोड़कर चली जाती है। लेकिन इनमें से बहुत सारे अंडे मौसम में परिवर्तन और शिकारियों के कारण नष्ट हो जाते हैं, और कुछ ही अंडे होते हैं जो सुरक्षित बच पाते हैं। लगभग 1 से 2 दिनों बाद इन अंडों से लार्वा बाहर निकलना शुरू होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस लार्वा को व्रिगलर कहा जाता है। ये लार्वा पानी की सतह के नीचे होते हैं और काफ़ी सक्रिय भी। इन लार्वा के पास साइफन नामक एक ग्रंथि होती है, जिसके कारण ये पानी के अंदर सांस लेने और तैरने में सक्षम होते हैं। और अगर बात करें इनके पोषण की, तो ये लार्वा जिस पानी में रहते हैं, उसी पानी में मौजूद सूक्ष्म जीवों को खाकर ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जिसके कारण ये बहुत जल्दी ही 5 mm की लंबाई तक बढ़ जाते हैं। और अब ये लार्वा लगभग 10 से 15 दिनों तक इसी तरह पानी में अपना जीवन बिताएंगे। तो जैसे ही इनके लार्वा वाले जीवन का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद ये प्यूपा बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए ये सूक्ष्म जीवों को खाना बंद कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन लार्वों ने प्यूपा बना लिया है। ये प्यूपा पानी की सतह से लटके होते हैं, वो इसलिए ताकि समय समय पर ये सांस ले सके। आपको बता दूं कि इस प्यूपा में 2 ब्रीथिंग ट्यूब्स होते हैं, जिसके कारण ये प्यूपा की अवस्था में गहरे पानी में जाने से बच जाते हैं, और इस प्रक्रिया को टमलिंग कहा जाता है, जिसके कारण इसे टमलर भी कहा जाता है। लगभग 4 से 5 दिनों में इस प्यूपा के अंदर मच्छर का विकास पूरा हो जाता है, जिसके बाद एक वयस्क मच्छर प्यूपा से बाहर आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से ये बाहर निकल रहा है। और इस तरह एक मच्छर का जन्म होता है।
दोस्तों आपको बता दूं कि अगर पैदा होने वाला मच्छर नर है तो वो आमतौर पर फूलों का रस ही पीता है, क्योंकि नर मच्छर शाकाहारी होता है। और अगर पैदा होने वाला मच्छर मादा है तो वो सीधे किसी जानवर या फिर इंसान का खून पीती है, ताकि मिलन के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दे सके और फिर से इनका जीवन चक्र शुरू हो जाता है। दोस्तों जब किसी मच्छर का जन्म होता है तो उसकी लंबाई 3 से 6 mm तक होती है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की तो इनका जीवन तापमान, आर्द्रता, पोषक और सुरक्षा के आधार पर निर्भर होता है। यानी ये सारी चीज़ें इन्हें सही तरह से मिलती रही तो ये अपने शरीर के हिसाब से ठीक ठाक जीवन जी लेते हैं। अगर नर मच्छर की बात करें तो इसका जीवन काल 1 सप्ताह का होता है और वहीं मादा मच्छर का जीवन काल 6 सप्ताह का होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।